और बड़ी खबर इस वक्त की, 4:45 तक सुप्रीम कोर्ट ने आईटी छात्र को दी बड़ी राहत। फीस भुगतान में देरी से एडमिशन हुआ था रद्द और ऑनलाइन भुगतान में हुई थी कुछ मिनट की देरी। मजदूर के बेटे ने ग्रामीणों से एकत्र की थी फीस की राशि, 5 बजे की तय सीमा में भुगतान नहीं हो पाया था। 4:45 तक 17,500 रुपए की राशि एकत्रित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। कहा, हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली को जाने नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी टिप्पणी। कहा, अतिरिक्त पद बनाकर छात्र का एडमिशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र का पक्ष लिया। कहा, दूसरे छात्र के एडमिशन में बाधा नहीं आए। ये क्लियर किया गया कि बच्चे के एडमिशन से किसी दूसरे की रैंकिंग खराब नहीं होगी, उसका एडमिशन जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक सीट एक्स्ट्रा बनाई जाए और उसमें इस बच्चे को दाखिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। महज 18,000 की फीस चुकानी थी। जो परिवार असमर्थ था, गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया, लेकिन तब तक देरी हो गई थी। 24 जून का पूरा मामला था, फीस वक्त से दाखिल नहीं हो पाई थी। इसके बाद परिवार ने रुख किया कोर्ट का, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बच्चे के हक में फैसला सुनाते हुए इसको दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं संस्थान को। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसके एडमिशन से किसी दूसरे छात्र पर असर न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को समायोजित करने के निर्देश दिए हैं।